अगला सवाल, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में हल्दी लैब बनाई जाएगी? गुरुजी, हल्दी लैब क्या होती है? हल्दी लैब बनाई जाएगी HAU के अंदर, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। देखो, हल्दी आप सभी को पता होगा कि टर्मरिक जिसको बोलते हैं, ये बहुत जरूरी है हमारी हेल्थ के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए तो बहुत अच्छी है। कहीं चोट वगैरह लग जाती है, कहीं गिर जाते हैं तो कहते हैं दूध में हल्दी डाल के पी लीजिएगा। कच्ची हल्दी की सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी। मेरे को तो बनानी आती है, अक्सर सर्दियों में हम लोग बहुत बनाते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को भी अगर बनानी आती है, कभी खाई होगी, तो अदरक जैसी सी आती है कच्ची हल्दी, और उसको घिस के बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। कभी बुलाओ आप मुझे अपने घर पे, मैं जरूर आपको बना के खिलाऊंगा। बहुत ही टेस्टी सब्जी आती है, बनती है इसकी। एक्चुअली ये है क्या सर, अब क्वेश्चन क्या है? देखो, HAU के साइंटिस्ट के द्वारा, पर्टिकुलर जगह का नाम आपको बताता हूं मैं, कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इसको इंग्लिश में पढ़ोगे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो आपका कॉलेज है, वहां पे हल्दी लैब की आधारशिला रखी गई है। यहां पे बेसिकली हल्दी की नई नई किस्में हैं, इनको इजाद किया जाएगा। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट किस्में हैं, हमारी हेल्थ के लिए कई जरूरी होती है, कई जोड़ों के लिए दर्द के लिए अच्छी होती है, कई आपकी बॉडी के और बहुत सारे मिनरल्स के रूप में, एक्टिविटी आयंस के रूप में बहुत जरूरी होती है, और ऐसी अलग अलग नई नई टेक्निक्स पे काम किया जाएगा। यही है हल्दी लैब। दूसरी इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि किसान अपने खेतों के अंदर हल्दी उगाए और यहां पर हल्दी लाके उसे प्रोसेस करवा के मार्केट बेच सकते हैं, क्योंकि हम लोग सीधे सामान मार्केट में बेचते हैं तो हमें भाव कम मिलता है, लेकिन प्रोसेस किया हुआ सामान अगर मार्केट में बिकता है तो उसका भाव अच्छा मिलता है। जैसे कई बार आप बोलते हो ना कि हम अगर कोई सामान बोले, जैसे हमने खेत के अंदर टमाटर बोल लिए तो हमारे टमाटर तो सस्ते बिकते हैं, मार्केट चलाओ तो महंगे मिलते हैं हमें, तो प्रोसेसिंग की बात होती है, ठीक है। तो इसी के तहत इन्होंने इस लैब के अंदर क्या किया है कि 800 से 1000 किलो कच्ची हल्दी को प्रोसेस किया जा सकेगा एक दिन के अंदर। इसके अंदर वॉशर, कुकर, वेशल, ड्रायर, कई सारे मशीनें जो है ना लगाई गई है, जिससे किसानों को प्रोसेस करवाने में बहुत आसानी मिल सकती है वो, ठीक है। और 250 किलोग्राम उबली हल्दी की है, मशीन 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे काम करेगी। तो ये एक इंटरेस्टिंग सी पूरा एक सेटअप किया गया है HAU के अंदर। HAU है, इसकी स्थापना कब हुई थी सर? 2 फरवरी 1970 को। इसके VC का नाम क्या है? BR कंबोज। ये गुलाब जामुन यूनिवर्सिटी, सॉरी GJU, मैं इसको प्यार से गुलाब जामुन कहता हूँ, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी जो है ना, इस यूनिवर्सिटी के VC भी है, दोनों की ही देखरेख कर रहे हैं एक ही साथ में।